नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं अधिष्ठुर उपाध्याय। दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद पुलिस एकदम सख्त हो गई है। खासकर किसान आंदोलन में अचानक से जातिवादी रंग आने के बाद दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जिस तरह से लोगों की तादाद बढ़नी शुरू हुई है, उसे देखते हुए पुलिस सतर्क हो गई है और सुरक्षा व्यवस्था में जुट गई है। पुलिस की सख्ती इस कदर बढ़ गई है कि अब आम लोग तो दूर, मीडिया कर्मियों को भी कवरेज के लिए दिल्ली की सीमा क्रॉस करके किसानों के धरना स्थलों तक नहीं जाने दिया जा रहा है। जहां गाजीपुर बॉर्डर पर फिर से आरएएफ और पीएसी की तैनाती बढ़ा दी है, तो वही सिंगू और टीकरी बॉर्डर पर पुलिस का पहरा और कड़ा कर दिया गया है। इसी बीच टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ऐसी कई तस्वीरें सामने आई है जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल पहले ही यहां पर सीसी की दीवार बनाई गई थी, सात लेयर में बैरिकेडिंग कर रखी थी, मगर अब सड़क खोदकर उसमें लंबी लंबी कीले और नुकूले सरिया लगा दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था यहां पर और भी मजबूत कर दी गई है। बॉर्डर पर रोड रोलर भी अब खड़े कर दिए गए हैं ताकि किसान अगर दिल्ली में घुसने का प्रयास करें तो उन्हें रोकने के लिए रोड रोलर को सड़क पर खड़ा कर दिया जा सके। यहां पर कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था बॉर्डर पर ही थी। इसके बाद टीकरी कला गांव तक जगह जगह बैरिकेडिंग की दीवार खड़ी कर दी थी। टीकरी बॉर्डर पर ही दिल्ली पुलिस की ओर से सीसी की दीवार बना दी गई थी। 4 फीट मोटी ये दीवार बनाई गई है। इसके 10 कदम पर दिल्ली की तरफ एमसीडी टोल के पास बॉर्डर पर ही सड़क खोदकर उसकी जगह पर सीमेंट में लोहे की कीले लगवा दी गई हैं। साथ ही लोहे के सरिया नुकीले बनवाकर यहां पर लगवा दिए गए हैं ताकि कोई भी वाहन यहां से गुजर ना सके। अगर कोई वाहन यहां से गुजरने की कोशिश करेगा तो कीलों से गुजरने में वाहन का पंक्चर हो जाएगा, पूरा टायर खराब हो जाएगा, कुल मिलाकर यहां से निकलना अब मुश्किल होगा। तो वही बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की 15 कंपनियां पहले से तैनात हैं। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसक घटनाओं के बाद यहां हर रोज सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। इसी कड़ी में लोहे की कीलें लगाई गई हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि यहां से किसी भी किसान को दिल्ली जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये सुरक्षा व्यवस्था इसलिए बढ़ाई जा रही है ताकि कोई भी किसान यहां से निकलकर दिल्ली की सीमा में ना घुस सके। दरअसल प्रदर्शनकारियों के दिल्ली में प्रवेश को रोकने के लिए सिंगू बॉर्डर पर पुलिस की ओर से अब सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा कड़ी की जा रही है। इसी के मद्देनजर बैरिकेड्स को अब बेल्ट कर उनके बीच की जगह में रोड़ी और सीमेंट डालकर मजबूती की जा रही है ताकि प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर से बैरिकेड्स ना हटा सके। इसके अलावा कंटेनरों में भी सीमेंटेड बैरिकेड रख दिए गए हैं। कुल मिलाकर फिर से किसानों के बीच में उपद्रवी उत्पात न मचा सके, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।